और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का, और आज का हमारा नंबर है 78%। ये नंबर देश की हिंदू आबादी का है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 85% से 78% पर आ गई, तो मुसलमानों की आबादी 10% से 14% पर पहुंच गई। चुनावी माहौल में ये रिपोर्ट सामने आई तो इस पर राजनीतिक तापमान बढ़ना लाजमी है। ऐसे में आइए आपको भारत में हिंदू मुस्लिम आबादी की राजनीति का सबसे नया अंकगणित दिखाते हैं। हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता जनता के जीवन का जीवन जिससे जुड़ा है, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है, जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। लिखा नहीं गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चल रही है, रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। बीच लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के इस रिसर्च पेपर में छपे अंकगणित से देश का सियासी तापमान अचानक बहुत बढ़ गया। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे। इस रिसर्च पेपर के अनुसार साल 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट आई है, तो मुसलमानों की आबादी में 43% इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट का पूरा अंकगणित आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान, ये भी बताएंगे। अभी आप इस रिपोर्ट पर सियासी टक्कर का सबसे धमाकेदार अध्याय देखिए। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता जनता के जीवन का जीवन जिससे जुड़ा है, आप खाम खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। लेकिन रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तपती गर्मी में बढ़ती सियासी तपिश के बीच इस रिपोर्ट पर बीजेपी मुखर है तो कांग्रेस इसे तरजीह देने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का यह रिसर्च पेपर एक दिन पहले ही सामने आया है। इसमें दुनिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर 1950 से 2015 के बीच हुई तब्दीली की वानगी पेश की गई है। लोकसभा चुनाव में पहले से ही मजहबी नैरेटिव पर माहौल गर्म है और इस बीच अब इस रिपोर्ट ने बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। वैसे विपक्ष इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 65 साल में धर्म के हिसाब से देश की आबादी का अंकगणित कितना बदल चुका है उसे जरा ध्यान से देखिए। रिपोर्ट के अनुसार 1950 में भारत की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी,
जो 2015 में 78.06% रह गई। इस तरह से हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई। वहीं 1950 में देश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% थी, जो 2015 में 14.09% पर पहुंच गई। इस तरह से मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। इस अंकगणित पर धार्मिक संगठनों के नेताओं की बात आपको बस थोड़ी देर में सुनाएंगे, अभी आप इस पर वोट की राजनीति करने वाले नेताओं को सुनिए। हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा आजादी के बाद से। देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं।